हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो बैंक निफ्टी एनालिसिस। सो गाइस, बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दे दिया 44,232 की, जो कि कल की क्लोजिंग से है 262 पॉइंट माइनस में। अब आप इधर एक चीज ध्यान दीजिए कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे बना दिया है बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न। अब बियरिश इंगल्फिंग के बाद आपको पता क्या होता है, हमेशा मार्केट गिरता है। अगर आपने तो ये देखिए बियरिश इंगल्फिंग बन गया, और ये देखिए यहाँ पे भी एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी हुई थी, उसके बाद मार्केट कैसा गिरा है आप जानते हैं। तो बियरिश इंगल्फिंग नेगेटिव पैटर्न है, बट अभी यहाँ पे कन्फर्मेशन हम तब तक नहीं मानेंगे, जो स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन है वो तब तक नहीं होगी जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे ना गिर जाए। फिर भी आज बैंक निफ्टी सुबह से, यूजुअली मार्केट दिन में दो मोमेंटम देता है, तो आज मार्केट ने एक ही मोमेंटम दिया, वो कि लगातार नीचे ही जाता रहा बीच में होल्ड कर करके। सो गाइस, आगे बात करने से पहले मैं अपने आज के ट्रेड्स दिखाता हूँ आपको। सो गाइस, आज हमने ट्रेड लिए पांच ट्रेड, जिसमें पांचों के पांचों प्रॉफिट, छह ट्रेड लिए सॉरी, छह के छह प्रॉफिटेबल है। जो पांच पुट के ट्रेड हैं और एक बीच में कॉल का ट्रेड लिया था मैंने, वो भी प्रॉफिटेबल है। मतलब आज हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया है 5,120 का, मतलब 5,000 प्लस का हमारा प्रॉफिट हो गया है आज, क्योंकि इसमें ब्रोकरेज भी जाएगी। अब बात करते हैं डेली चार्ट्स की। डेली चार्ट्स पे देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अब जो एक ध्यान देने वाली बात क्या है, थोड़ा सा इसको लॉन्ग टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पे जो पीछे, एक सेकेंड, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे ये यहाँ पे ऐसे स्विंग करते हुए चल रहा था, तो जो ये जो बड़े स्विंग्स बनते हैं और इसके बाद जो गिरावट आती ना, ये भी एक काइंड ऑफ, ये सब बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। मतलब एक क्या बोलते हैं, बेरिश फ्लैग पैटर्न टाइप है। तो यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए, बड़े टाइम फ्रेम पे देखा जाए, तो एक बेरिश फ्लैग पैटर्न ही बन रहा है यहाँ पे। तो ये एक्टिव तब होगा, मैं इसको एक्टिव तब मारूंगा, या फिर इस पैटर्न को यहाँ से अगर जब तक इसके नीचे ब्रेकडाउन नहीं करता। इसका लेवल होगा 43,666 का लेवल। सो 43,666 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं देता, तब तक हम इसको नेगेटिव नहीं मानेंगे। और वैसे ही जब तक 45,055 के ऊपर क्लोजिंग हमको नहीं दे देता है, जो कि लेवल है यहाँ पे। तो जो ये इसका प्रीवियस स्विंग था, आपको दिखा देता हूँ मैं, ये वाला स्विंग प्रीवियस स्विंग था, तो ये 45,000 के लेवल से हो गया था। मतलब जब तक 45,000 के ऊपर ये नहीं निकलता है, तब तक हमें कोई बड़ा मोमेंटम नहीं मिलने वाला बैंक निफ्टी के अंदर। तो हम वेट करेंगे या तो 45,055 का, अब वो 55 का लेवल का या तो ब्रेकआउट करे, या फिर 666 के लेवल का, उसके बीच में थोड़ा सा हमको कम क्वांटिटी से कॉन्शियस होकर ट्रेड करना है। आज मैंने जो ट्रेड लिए हैं वो मैं जल्दी निकालता रहा, क्योंकि आप अगर 5 मिनट चार्ट में नजर डालोगे, एक बार मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए 5 मिनट चार्ट पे देखेंगे तो इस लेवल के बाद एक ब्रेकडाउन आया बड़ा बैंक निफ्टी के अंदर, वो भी रुक रुक के ब्रेकडाउन आया। यहाँ पे भी रुका बैंक निफ्टी थोड़ी देर, जो कि अच्छी बात है, रुक रुक के गिरता है तो मतलब अच्छी मोमेंटम मिलती है हमको। और उसके बाद एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, उसका ब्रेकडाउन होने के बाद तो बहुत तगड़ा ही मतलब ब्रेकडाउन हो गया। अगर आपको ऐसी ट्रेंड लाइन और इंपॉर्टेंट लेवल्स चाहिए, तो मैं अपने प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करता रहता हूँ। वहाँ पे कोई टिप्स नहीं मिलती हैं आपको, बट वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स दे दिए जाते हैं, जहाँ से आप खुद कंसिडर कर सकते हैं, खुद पता लगा सकते हैं कि बैंक निफ्टी यहाँ से गिरेगा या फिर यहाँ से ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा, तो बैंक निफ्टी कहाँ जा सकता है। सो आपको वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उससे अगर अपना अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं तो हमारे प्रीमियम टेलीग्राम के मेंबर बन सकते हैं। ये जो लेवल दिख रहा है आपको, ये लेवल के अंदर बैंक निफ्टी, इसलिए मैंने यहाँ पे स्कैल्पिंग ही करी थी सिर्फ। आज लास्ट मोमेंटम पे थोड़ा सा मेरे को मिला मोमेंटम, वो मैंने इस वाले अकाउंट में ट्रेड नहीं लिया, वो मैंने दूसरे अकाउंट में ट्रेड लिया है, उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया हमको। पर मैं 50 पॉइंट्स, मतलब ऑप्शंस के अंदर 50 पॉइंट ही कैप्चर कर पाया था, फिर भी अच्छा हमको प्रॉफिट हो गया उसके अंदर। तो देखा जाए तो एक मेजर, अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो एक मेजर ब्रेकडाउन हुआ है, बट ये एक लेवल है और एक लास्ट ये लेवल है 44,000 से 20 ने उठाया। मैं एक छोटी सी क्वांटिटी ले गया हूँ दूसरे अकाउंट में, पूरे दो लॉट की वैल्यू आज के हमारे पूरे प्रॉफिट से भी नीचे है। तो अगर लॉस भी हो जाता है तो कोई ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही लॉस हो जाएगा। बात करते हैं अगर बैंक निफ्टी हमको इसी रेंज में ओपन मिल जाता है, देखिए बेस्ट कंडीशन, बेस्ट सिनेरियो क्या रहेगा हमारे लिए, बेस्ट सिनेरियो रहेगा बैंक निफ्टी इसी रेंज में ओपन हो जाए। रेंज होगी हमारे पास 4,155 से लेके 44,355, ये 200 पॉइंट की रेंज के अंदर बैंक निफ्टी ओपन हो जाए, और यहाँ पे थोड़ा सा भी टाइम बिताए, 5-10 या 15 मिनट भी बिता देगा, और उसके नीचे 155 के लेवल का ब्रेकडाउन कर देगा, तो फर्स्ट टारगेट हमारे पास आएगा 44,055 का, 100 पॉइंट का। और अगर इस लेवल की यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए अगर और ब्रेकडाउन करता है तो, और उसके बाद नीचे ब्रेकडाउन करता है ना, तो हमको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी, जो कि बैंक निफ्टी को 200 से 250 पॉइंट की गिरावट दे सकती है। बात करते हैं बैंक निफ्टी अगर इसी रेंज में बनोगे तो ऊपर की तरफ 355 का ब्रेकआउट करता, इस रेंज के बीच में आप सेलिंग कर सकते हैं, पर वो रिस्की बहुत रहेगी, आपका एसएल स्ट्रिक्ट रहेगा। जैसे इसका ब्रेकआउट करेगा तो आपको ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लेना है, पर इसमें पॉइंट्स रहेंगे हमारे पास सिर्फ 70-80 पॉइंट्स के लिए आपको ट्रेड करना है। इन केस बैंक निफ्टी मेरे को गैप अप ओपन मिल जाता है, तो गैप अप में अगर मेरे को 444 के नीचे नीचे गैप अप मिल जाता है, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव पैटर्न ढूंढूंगा। अगर मेरे को कोई शूटिंग स्टार या फिर कोई दूसरा पैटर्न मिल जाता है, या फिर कोई रेंज के ब्रेकडाउन मिलता है, तो मैं अच्छी क्वांटिटी उठा सकता हूँ नीचे की तरफ प्ले करने के बाद, और ऊपर की तरफ चला जाता है। तो फिर ये जो इतने दिन से मैं आपको पहले भी बताया था कि यहाँ देखिए फर्स्ट डे क्लोजिंग, और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इधर देखना ध्यान से,
इसको और छोटा करना पड़ेगा। अब आप इधर से ध्यान से एक चीज़ देखिए, मैं इसको पहले इरेज करता हूँ, कि बैंक निफ्टी ने एक यहाँ पे क्लोजिंग दी, दूसरे दिन यहाँ पे क्लोजिंग दी, थर्ड डे इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी, फोर्थ डे फिर यहाँ पे क्लोजिंग दी, और ये मतलब चार दिन लगातार ये 500 के लेवल के पे क्लोजिंग दे रहा था, और आज इसने फर्स्ट डे जो उसने 500 के नीचे क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को नेगेटिव लग रहा है बैंक निफ्टी। मैं ऊपर की तरफ हैवी ट्रेड इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि इसने अपना ये जो क्लोजिंग का लेवल बचा रखा था वो लेवल को आज इसने नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। तो जब भी अब इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा बैंक निफ्टी, तो मैं नीचे की तरफ ट्रेड लेने के लिए ज़्यादा क्वांटिटी लूँगा। अगर ऊपर की तरफ मेरे को कोई प्रेडिक्शन बनता दिखता भी है, तो मैं जो नीचे की तरफ क्वांटिटी ले रहा हूँ उसका ओनली 20% क्वांटिटी ही मैं ऊपर की तरफ लूँगा। पर गैप अप होने के बाद अगर ऊपर निकलता है तो मैं कोई ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि फिर इसी रेंज में फंस जाएगा जो कि फंसा हुआ था रेंज में। इन केस अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन में देखूंगा, अगर 44,000 के ऊपर ही ऊपर गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा। अगर 44,000 के नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो हमको वहाँ देखना पड़ेगा 44,000 के नीचे सस्टेन कर रहा है कि नहीं। अगर 44,000 के ऊपर आके ट्रेड करने लगेगा फिर हमको शांति से बैठना और अपने प्राइस एक्शन का रेंज का वेट करना है। सो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।